Tango. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। करण जौहर की फिल्म कलंक का ट्रेलर बुधवार को जारी कर दिया गया है। इसके जारी होने के कुछ ही घंटे में इस ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया। बता दें कि अभी तक करीब 14 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं, जबकि इसके टीजर को करीब 40 मिलियन लोग देखे हैं। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य राय कपूर की स्टारर फिल्म कलंक 17 अप्रैल से सिनेमा हॉलों में धूम मचाएगी। ट्रेलर में वरुण, आलिया, सोनाक्षी, आदित्य का जबरदस्त लव ट्रायंगल दिख रहा है। इससे पता चलता है कि आदित्य आलिया से दूसरी शादी करते हैं। ट्रेलर में माधुरी से लेकर संजय दत्त सभी बड़े कलाकार की झलक है। इसके शुरुआत में रूप यानी कि आलिया भट्ट बताती हैं कि उनके गुस्से में लिए गए एक फैसले ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह इसमें देव यानी कि आदित्य राय कपूर से शादी करती है, जो पहले से सत्य यानी सोनाक्षी सिन्हा के पति हैं। फिर आलिया वरुण की लव स्टोरी दिखाई जाती है। आपको बता दें कि फिल्म में करण जौहर ने बहुत ही खूबसूरती से 1940 की लव स्टोरी को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। ट्रेलर को देख ऐसा लग रहा है कि करण जौहर ने इस प्यारी सी लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर काफी खूबसूरती से उतारने में बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल कर लिया। वरुण धवन और आलिया भट्ट ने अभी तक कई फिल्मों में एक साथ काम किया और इनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद भी किया है। एक बार फिर से अपनी शानदार केमिस्ट्री से लोगों के दिलों को जीतने के लिए वरुण धवन और आलिया भट्ट पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कलंक के ट्रेलर में दोनों का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। अभिषेक बर्मन के निर्देशन में बन रही फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। कंटेंट अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना एकदम न भूलें।